स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दी ओलिगोसैकेराइड्स, जो कि हमारे मोनोसैकेराइड्स थे। उनके बारे में हम पहले ही ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक सब टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया मोनोसैकेराइड। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी जो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स जब भी जो मोनोसैकेराइड्स हैं दो या दो से ज्यादा अप टू टेन, दो से लेके टेन तक जब यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो हमें एक न्यू क्लास मिलती है जिसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? अगर हमारी टू यूनिट्स हैं, किसकी? टू यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर दो यूनिट्स आ जाती हैं तो वी कैन से इट, हम लोग क्या कहते हैं इसे? अगर दो यूनिट आती हैं तो हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स और सैकेराइड का मतलब शुगर होता है। हमारे एनसीईआरटी बुक में हमने तीन तरह के डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। वन, दैट इज दी सुक्रोज। सेकेंड, माल्टोज। एंड थर्ड वन इज लैक्टोज। एंड थर्ड वन इज लैक्टोज, जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है कि वी हैव टू रीड अबाउट द थ्री डाइसैकेराइड्स। इन सभी में दो दो यूनिट्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डाई मींस टू। और अगर जो है वो यूनिट्स होती थ्री, अगर थ्री यूनिट होती, थ्री मोनोसैकेराइड्स होते, थ्री यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो हम क्या नाम देते? ट्राइसैकेराइड्स। और अगर फोर यूनिट्स होते किसके? मोनोसैकेराइड्स के, तो हम क्या नाम देते? टेट्रासैकेराइड्स। एंड सिमिलरली फाइव होंगे तो हम नाम दे देंगे पेंटासैकेराइड्स। लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में या 2022-23-24 जो सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के बारे में ही स्टडी करना है। रेस्ट दीज आर ओनली जस्ट टू नो दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर। हमारे एनसीईआरटी बुक्स में इनके कोई भी स्ट्रक्चर या यूनिट या हमें फॉर्मूलेज या नेम नहीं दिए हैं। वी आर हैव टू बी स्टडी ओनली अबाउट सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसमें टू यूनिट जो मोनोसैकेराइड्स हैं टू से लेके टेन यूनिट्स तक हो सकती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। दो है तो हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। थ्री, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन। लेकिन हमने सिर्फ इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। तो लेट्स सी कि सुक्रोज क्या है। सुक्रोज जो है इट इज मेड अप ऑफ, किस किस से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ, किस से बना है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब हमने प्रिपरेशन देखी थी ग्लूकोज की या प्रिपरेशन देखी थी फ्रक्टोज की तो हमने उसे सुक्रोज से ही बनाया था। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन अल्कोहलिक एसिडिक मीडियम जो हमने किया था, वी आर गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका मतलब है जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो ग्लूकोज है वो एनॉर्मर जो एनोमर्स हैं और फ्रक्टोज के जो एनोमर्स हैं वो अल्फा और बीटा में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका कौन सा एनोमर पार्टिसिपेट करेगा? अल्फा। और ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? डी। और ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्सट्रोटेटरी। दिस डी विल शो दी कॉन्फिगरेशन, अल्फा विल शो दी
जो कौन सा हमारा जो एनॉर्मिक कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा. एंड दीज आर जस्ट हाइफन टू राइट द नेम्स एंड हियर वी आर राइटिंग ग्लूकोज. तो एक्चुअल जो ग्लूकोज है जो इसमें फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये वाला है. तो फ्रक्टोज कौन सा है, फ्रक्टोज यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज बीटा. और फ्रक्टोज कैसा होता है कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो डी होता है हाइफन. एंड फ्रक्टोज जो है वो टोटली कैसा होता है, सॉरी नेगेटिव ये होता है हमारा, इट कैन रोटेट इन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा ठीक. और ये फ्रक्टोज है तो हम इसे क्या कह देंगे, फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज. इफ समटाइम एमसीक्यूज क्वेश्चन विल कम कि कौन सा ग्लूकोज का एनोमर पार्टिसिपेट करता है, कौन सा बीटा सॉरी कौन सा एनोमर फ्रक्टोज का पार्टिसिपेट करता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. अभी आप देखो कि यहाँ पे मैंने जो साइन है वो यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी शो किया है. जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहाँ पे साइन है दैट इज कितना हो जाएगा 52% है ठीक. और जो हमारा नेगेटिव है दैट इज द 92.5 ये प्लस है तो मैंने इसके आगे प्लस का साइन लगा दिया, ये नेगेटिव है मैंने इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया. जैसे कि आप अपने मैथ्स में देखते हैं कि प्लस माइनस ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, माइनस. जो ग्लूकोज सुक्रोज है, सुक्रोज हमारा कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सुक्रोज मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब इसके आगे किसका साइन रहेगा, प्लस का. बट अपने एक्वा सॉल्यूशन में ये मिक्सचर देता है या ये उन दो मोनोसेक्राइड से बना है जो कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा लीवर रोटेटरी है. अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी. सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी. जो साइन है वो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, प्लस एंड माइनस नेगेटिव हो जाएगा. सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो किसका मिक्सचर कंटेन करता है, प्लस और नेगेटिव बोथ, ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा. इस तरह के शुगर को हम क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर. इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्ट शुगर. तो सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं कि वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बट उसका जो 50% पार्टिसिपेशन है वो अल्फा डी है और बीटा फ्रक्टोज है, जिसमें कि जो फ्रक्टोज है वो हमारा लीवर रोटेटरी है, ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. ओवरऑल जो सोल्यूशन रहेगा या मिक्सचर रहेगा दैट इज लीवर रोटेटरी. अपने एक्वा सॉल्यूशन में वो लीवर रोटेटरी हो जाता है तो इसलिए सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर भी कहते हैं. अब ये बनेंगे कैसे, हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं. तो लेट्स सी द फॉर्मेशन हियर कि हाउ इट विल फॉर्म. तो आई एम गोइंग टू इरेज इट. ओके तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें. सो आई विल इरेज इट. ओके डन. ओके तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, वी विल सी हाउ सुक्रोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ईजी है. हमने इस तरह से टू पैरेलल लाइंस बना दी. यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बना दिया और आपने इस तरह ग्रेटर साइन लगाते हैं वैसे साइन लगा दिया. हेयर वी आर राइटिंग द सी, हेयर वी आर राइटिंग द सी, हेयर वी आर राइटिंग द सी. और इसे हमने इस तरह से बंद कर दिया. हमने ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है बट एक कार्बन की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन है. रेस्ट वी आर गिविंग दी सी हियर. जहाँ जहाँ हमने सी लगाया है वहाँ पे हम इस तरह से एक वर्टिकल लाइन लगा लेंगे क्योंकि मैं हावर्थ प्रोजेक्शन बना रही हूँ ग्लूकोज की. और मैंने बनाना है कौन सा, अल्फा. ये क्या है, अल्फा डी हाइफन और पॉजिटिव और ग्लूकोज ठीक है. अगर अल्फा है तो जो हमारा OH जो हमारा इस हावर्थ प्रोजेक्शन में न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है वो किस साइड पे आ जाता है, राइट हैंड साइड पे. तो OH कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे. और ये तो यहाँ पे था ही और ये यहाँ पे हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा.
और यहाँ H और यहाँ CH2OH। आप इसको पोजीशन भी दिखा सकते हैं, हाउ वी आर शोइंग द पोजीशन। कार्बन की पोजीशन कैसे शो करेंगे, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। दीज आर नॉट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, बिकॉज जो ग्लूकोज है वो 6 उसमें कार्बन एटम्स होते हैं, बट जो इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन है ये ऑक्सीजन एटम जो वो अंदर रहता है, और ये स्ट्रक्चर किसके साथ मैच करता है, पायराइन की तरह, ठीक है, इसे पायरानोज भी कहते हैं। ये मैंने बना दिया, जहां जहां पे ये भी बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई है वहां वहां हम क्या लगा देंगे, एच 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 एंड एच। अब मैंने क्या बनाना है, बीटा फ्रक्टोज, तो यहाँ हम प्लस का साइन डाल देंगे, बीटा फ्रक्टोज बनाएंगे, तो बीटा फ्रक्टोज में ओ यहाँ पे रहते हैं, एंड देन वी आर मेकिंग टू स्लांटिंग लाइंस, देन टू पैरेलल लाइंस, एंड इसे यहाँ से बंद कर देंगे। जिस जगह मैंने जॉइंट डाला है आप वहाँ पे क्या करिए, लाइन बनाइए, दिस लाइन गिव्स द कार्बन, तो यहाँ पे मैंने बीटा लिया है, बीटा में जो ओ एच होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे सी थ्री है, ओ एच अंदर रहेगा, एच बाहर रहेगा, और ये सी फोर है, सी फोर में ओ एच बाहर रहेगा, एच ऊपर आ जाएगा, ये क्या है हमारा बीटा डी एंड नेगेटिव, एंड दिस इज द क्या है ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो वैसे ही हमारा लीवर डिट्री तो नेगेटिव शो करना ही पड़ा। अब क्या करेंगे हम, ये जो OH है और यहाँ पे जो OH है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और हमारे पास सुक्रोज बना। सुक्रोज कैसा बन जाएगा, व्हाट द स्ट्रक्चर वी विल गेट, हम सुक्रोज बनाने के लिए दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे और इस तरह से बेंजीन रिंग कंप्लीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बोला था, हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। C1 कार्बन है जिसमें ऊपर H है, अभी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैं O को यहाँ ले आऊँगी क्योंकि यही O बाकी रह गया है, ये तो वाटर रिमूव हो रहा है और ये तो बाकी जो रेस्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, बाकी कोई भी चेंजेस किसी में भी नहीं होंगे, CH2OH। तो ये मैंने क्या बना दिया है, ग्लूकोज, और जो यहाँ पे ये फ्रक्टोज से मैच कर रहा है, फ्रक्टोज के लिए हम ओ बना देते हैं, और मैंने इसे C4 के साथ लेके जाना है, और यहाँ पे आप इस तरह लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे C1 था, और C1 में जो हमारा हाइड्रोक्सिल था वो किस तरफ हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे H है, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ये सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH, क्योंकि सेकेंड यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, C2OH। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 आ जाएगा, C3 में कहाँ चला जाएगा, दैट वी आर हैविंग इन C3 में OH जो है वो हमारा किस तरफ रहता है, OH अंदर चला जाएगा, H यहाँ पे, और यहाँ पे जो O था वो OH तो चला गया है, ये चला जा चुका है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि OH चला गया, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था C5, उसने H और CH2OH। इस तरह से हमारा जो ग्लूकोज है उसका C1 किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, C4 किसके साथ, C1 किसका है, ग्लूकोज का, और C4 किसका है, फ्रक्टोज का, और ये जो लिंक बनता है यहाँ पे जिससे ये दोनों मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से हमारा जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज के साथ अटैच होता है, और ओ ऑक्सीजन एटम के थ्रू बाय गिविंग वन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि विच कार्बन एटम, और कौन सा कार्बन जो है
ग्लूकोज का पार्टिसिपेट करता है फ्रक्टोज के साथ, तो C1 गिव मेक अ बॉन्ड विद C4। इसके साथ हम इसको भी पोजीशन दे सकते हैं, ये C1 है, सॉरी C2 है, ये C1 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये C5 है, और ये C6 है। तो हम यहाँ पे C1 C4 में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये अल्फा है, ये बीटा है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब यहाँ पे जो लिंकेज बना है, और इस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है, बाय रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा एंड बीटा दोनों ही, अल्फा जो ग्लूकोज का है, बीटा जो फ्रक्टोज का है, आपस में कंबाइन होके हमें एक डाइसेक्राइड देती हैं। उस डाइसेक्राइड का नाम क्या है, दैट इज द, इस डाइसेक्राइड का नाम क्या है, दैट इज सुक्रोज। और सुक्रोज जो है वो मेनली हमें जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फ्रूट्स में अवेलेबल हो जाएगा। और दो यूनिट यहाँ पे इस तरह से आपस में ग्लाइकोजेनिक लिंकेज बना रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, यू टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर डाइसेक्राइड्स। टेक केयर।